हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें टॉपिक है हमारा ब्लूटूथ। पहला क्वेश्चन है, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट इज कॉल्ड। पिकोनेट के जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? ए स्कैटर नेट, बी माइक्रोनेट, सी मेन नेट एंड डी मल्टी नेट। तो पहले का आंसर हमारा हो जाएगा ए स्कैटर नेट। बी क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर, इन ए पिकोनेट देयर कैन बी ऑप टू कितने पार्क नोड इन द नेटवर्क। नेटवर्क में जो पार्क नोड होते हैं हो सकते हैं क्या? ए 63, बी 127, सी 255 एंड डी दिया है 511। तो क्या होगा यहाँ ये बताना है। तो दूसरे का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी, यानी कि 255। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। वायरलेस टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज किया जाता है? ए लोकल एरिया नेटवर्क, बी पर्सनल एरिया नेटवर्क, सी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क एंड डी दिया वाइड एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ सिंपली हम आस पास यूज करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम पर्सनल एरिया नेटवर्क में यूज करेंगे, यानी कि तीसरे का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया है, ब्लूटूथ यूज किया जाता है ए फ्रिक्वेंसी होपिंग स्पीड स्पेक्ट्रम, या ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, या चैनल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चौथे का हो जाएगा हमारा ए, यानी कि फ्रिक्वेंसी होप स्पीड स्पेक्ट्रम, इसलिए क्या हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अनऑथराइज एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ए वायरलेस डिवाइस थ्रू ए ब्लूटूथ कनेक्शन इज कॉल्ड। ए ब्लू मेकिंग, बी ब्लू स्नार्फिंग, सी ब्लू स्ट्रिंग एंड डी ब्लू स्कोपिंग। तो पांचवे का आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि ब्लू स्नार्फिंग। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज ए टू डीपी, यानी कि ए टू डीपी का मतलब क्या होता है? एडवांस ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर स्ट्रीमिंग ऑडियो, बी ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर स्ट्रीमिंग वीडियो, सी ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर सिक्योरिटी, डी दिया ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर फाइल मैनेजमेंट। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा ई हमारा, यानी कि ए स्ट्रीमिंग फाइल स्ट्रीमिंग प्रोफाइल फॉर स्ट्रीमिंग ऑडियो, यानी कि छठवें का ये हो जाएगा। सातवां हमारा है, इन ए पिकोनेट वन मास्टर डिवाइस, पिकोनेट में एक मास्टर डिवाइस होता है क्या? ए कैन नॉट बी स्लेव, बी कैन बी स्लेव इन अनदर पिकोनेट, और सी दी है कैन बी स्लेव इन सेम पिकोनेट, डी दी है कैन बी मास्टर इन अनदर पिकोनेट। तो फतेहवे का आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि कैन बी स्लेव इन द सेम पिकोनेट। ए बी ये होगा कैन बी नॉट स्लेव। फिर हमारा नेक्स्ट है आठवां नंबर, ब्लूटूथ ट्रांसीवर डिवाइस ऑपरेट इन बैंड। चार ऑप्शन है, ए 2.4 गीगाहर्ट्ज, बी है 2.5 गीगाहर्ट्ज, और सी है 2.6 गीगाहर्ट्ज और डी दी है 2.7 गीगाहर्ट्ज। तो आठवें का आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आठवां नंबर, नौवां नंबर है, ब्लूटूथ सपोर्ट। ब्लूटूथ सपोर्ट करता है क्या? ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, बी पॉइंट टू मल्टीप्लाई पॉइंट कनेक्शन, सी बोथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, और डी दी है मल्टी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें ये बताना है। तो नौवे का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी, यानी कि पॉइंट टू मल्टीप्लाई, एक पॉइंट से दूसरे बहुत ज़्यादा पॉइंट में कनेक्ट करता है, सी होगा ये नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, दसवां नंबर क्वेश्चन है, ए स्कैटर्ड कैन हैव मैक्सिमम, स्कैटर्ड में कितने मैक्सिमम होते हैं क्या? पिकोनेट, ए 10 पिकोनेट, बी 20, सी 30 एंड डी 40। तो दसवें का आंसर हो जाएगा ए हमारे, यानी कि 10 पिकोनेट ही होते हैं।